हेलो दोस्तों, नीड ड्रीम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिए का सुंदर सा हर्ट वाला मोटिफ बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें ऊन और क्रोशिए की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लूप बनाते हुए 19 चेन बनाएंगे, 19 चेन बनाएंगे। चेन ही क्रोशिए का बेस होता है। यदि आपको क्रोशिया चलाना सीखना होता है तो सबसे पहले हम चेन ही बनाना सीखते हैं। इस तरह हम 19 चेन बना देंगे और आप गिनकर सेवंथ चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना के एक स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ही चेन बना के एक स्किप करके डबल क्रोशिया, फिर एक ही चेन एक स्किप करके फिर डबल क्रोशिया। इस तरह हम इसे पूरा लाइन में बनाएंगे। यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। ये देखिए, हमारे इसमें 7 ब्लॉक बनेंगे। अब हमें 4 की चेन बना के अपना दूसरी लाइन बनानी है। इसमें भी हमें 4 की चेन बनाई और हमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिए के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन बनाई और डबल क्रोशिए के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। यही पैटर्न हमको लास्ट तक फॉलो करना है। है ना, बहुत सिंपल। ये देखिए, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक चेन को स्किप करके, क्योंकि हम हर जगह एक चेन बना रहे हैं ना, तो इसमें एक हम एक की चेन को स्किप करके दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हमें 4 की चेन बनानी है और डबल क्रोशिए के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हम ये पूरी लाइन बना देंगे और हमें जब तक हमारी 6 लाइन नहीं हो जाती, हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। ये हमारी 6 लाइन बनके पूरी हो गई। अब हम एक की चेन बनाते हुए इसको कट कर देंगे। अब हमें एक लूप बनाना है और थर्ड वाले ब्लॉक में राइट साइड से थर्ड वाले ब्लॉक में इसको अटैच कर देना है। और 7 चेन बनानी है, इसको हमें सेकंड ब्लॉक में डाल देना है। फिफ्थीन की चेन बनानी है और थर्ड वाले ब्लॉक में डाल देना है। ठीक है, अब हमें जो सेकंड वाला ब्लॉक जो हमने बनाया है ना, जो हमने सबसे पहले बनाया था ब्लॉक, उसमें हमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हमारे 12 डबल क्रोशिए हो गए हैं। अब हमें इसे सेकंड वाले में
सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है और लास्ट में स्लिप स्टिच से इसको बनाना है। ठीक है, अब हमको मोड़ते हुए इसको मोड़ देंगे। हम दूसरी साइड ले जाके एक ही चेन बना के हमने जो 12 सिंगल क्रोशे बनाए थे उसके ऊपर वन चेन वन सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह हम जो हमारे 12 सिंगल डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हम 12 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ, एक चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, यही पैटर्न हमारा पूरे में लगेगा। ठीक है, ये लास्ट में भी हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और इसको लास्ट में जो चेन है उसमें डाल के स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये हमारा एक पार्ट बन के तैयार हो गया है। एक की चेन के साथ हम इसको बंद कट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। इसमें भी हम थर्ड वाले पार्ट पे 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे में 3 सिंगल क्रोशे बना के उसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हमें पहले वाले ब्लॉक में 12 सिंगल क्रोशे बनाने डबल क्रोशे बनाने हैं। हम गिन लेते हैं, ये 12 डबल क्रोशे हो गए। अब हम इसे फर्स्ट वाले ब्लॉक में स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तीन की चेन बनाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने जो 12 सिंगल डबल क्रोशे बनाए थे ना, हम उसी के ऊपर एक ही चेन डबल क्रोशिया, एक ही चेन और डबल क्रोशिया, इसी पैटर्न से हमको ये पूरा बना लेना है। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। हमें
एक ही चेन बना के इसको बीच में अटैच कर देना है। और फिर जो हमारा पहला हमने बनाया था ना 12 सिंगल क्रोशे वाला, उसका जो लास्ट फंदा है ना उससे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। अब हमें इस मोटिफ के चारों तरफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो हमने 12 वाला बनाया था ना उसमें एक तो हमें सिंगल क्रोशिया चेन में डालना है और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डालना है। पहले एक बीच में डाला, एक डबल क्रोशिया के ऊपर, एक बीच में डाला और एक डबल क्रोशिया के बीच में। इस तरह ही हम इसको पूरा बना देंगे। मोटिफ से आप बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, स्वेटर में भी डाल सकते हैं इसको। मोटिफ को जोड़ जोड़ के हम बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। ये देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। और आप इसको मल्टी कलर का भी बना सकते हैं, कोई ब्लू बना दिया, कोई वाइट बना दिया, कोई पिंक बना दिया, डिफरेंट कलर के बना के हम इसको जोड़ देंगे। देखिए मैंने पूरे में इसको बना दिया है। हमारी लास्ट स्टिच आ गई है। ऐसे ही बनाते हुए, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ और लास्ट में मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। ठीक है, यदि आपको मेरा मोटिफ पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।